आज एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगी। अगर इन 5 सवालों का जवाब आप हाँ में देते हैं तो आज का एपिसोड खासकर आपके लिए है, बेहद जरूरी है। पहला सवाल, फर्ज कीजिए आपने सुबह न्यूज में किसी एक्सीडेंट की खबर देखी, उसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई। खबर देखने के बाद क्या दिन भर आप उसके बारे में ही सोचते रहते हैं? वो बात दिमाग से जाती नहीं है, उन लोगों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं। दूसरों के मुकाबले आप ऐसी चीजों से ज्यादा अफेक्ट होते हैं। दूसरा सवाल, क्या कोई भी बदलाव आपके लिए एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता है? जिंदगी में जरा सा भी चेंज आए, कुछ नया हो, तो आप उसे जल्दी अपना नहीं पाते, उल्टा ये आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं हर चीज के बारे में, इतना कि कभी कभी आपका खुद का दिमाग थक जाता है, थका हुआ सा महसूस होता है? चौथा सवाल, अगर कोई आपको टोके या आपकी आलोचना करे, ये आपको एकदम अच्छा नहीं लगता, आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं ऐसे में? और आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है आपको बाकी लोग समझ नहीं पाते हैं, आप अकेले हैं? अब अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो अपने बारे में आज एक बात जान लीजिए, आप कहलाते हैं एक हाईली सेंसिटिव पर्सन यानी HSP। ये कोई कोरा टर्म नहीं है, ये असल में पर्सनैलिटी का एक टाइप है, एक रूप है। आप ऐसे क्यों हैं, इसके पीछे आपका दिमाग भी जिम्मेदार है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक हाईली सेंसिटिव पर्सन होना क्या होता है, कोई ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे डील करें। ये सारे सवाल हमने पूछे एक्सपर्ट से, सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। हाईली सेंसिटिव पीपल या हाईली सेंसिटिव पर्सन एक ऐसा टर्म है जो रियल में एग्जिस्ट करता है, और ये कोई साइकोपैथोलॉजी या कोई मेंटल इलनेस या कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। ये एक पर्सनालिटी ट्रेट की तरह देखा जा सकता है, जिसमें कि हम में से लगभग 20% दुनिया के 20% लोग इस ट्रेट के साथ जो है, हम लोग बाय डिफॉल्ट हम लोग आए हैं, जिसे जिसके अंदर की हाईली सेंसिटिव होना एक बहुत बड़ा फीचर देखा जाता है। हाईली सेंसिटिव होने का मतलब है कि आपको किसी भी प्रकार की जो एक स्टिमुलाई है या स्टिमुलस है किसी भी तरह का, चाहे वो भावनात्मक तौर पर हो, चाहे वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी के लेवल पे हो, डे टू डे स्ट्रेस के लेवल पे हो, आप और लोगों के मुकाबले आप जल्दी रिएक्ट करते हैं या जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप, यानी कि ये आपके बस के बाहर है, यानी कि आप नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग इस तरीके से हार्डवायर्ड है, आपका माइंड इस तरीके से अट्यून्ड है या हैबिचुएटेड है कि वो और लोगों के मुकाबले, जो रेस्ट ऑफ द 80% है, उनके मुकाबले आप जल्दी रिएक्ट करते हैं। हाईली सेंसिटिव पर्सन होने के डिसएडवांटेज जो है वो अगर हम बात करें तो पता चलता है कि हम लोग मिसअंडरस्टूड लोग की कैटेगरी में आते हैं। मिसअंडरस्टूड क्योंकि हमें सोचा जाता है कि हम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, हमें सोचा जाता है कि हम चीज़ों से डरते हैं, संकोच करते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन एक हाईली सेंसिटिव पर्सन असल में देखा जाए तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि जो उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग हो रही है स्टिमुलाई की, वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और अगर एडवांटेज की बात करें तो हाईली सेंसिटिव पीपल ये देखा जाता है कि काफ़ी एम्पैथेटिक होते हैं, भावनाओं के प्रति काफ़ी समझ रखते हैं, और आमूमन ये देखा जाता है कि अगर उन्हें एक वेल एस्टैब्लिश्ड और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले तो काफ़ी थ्राइव करते हैं और औरों से कई चीज़ों में आगे रहते हैं, खासकर जैसे ऑक्यूपेशनल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो। कारण की बात की जाए कि हाईली सेंसिटिव पर्सन होने के पीछे क्या कारण है, तो एक वेल एस्टैब्लिश थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग थ्योरी, यानी कि जो ये हाईली सेंसिटिव पर्सन होते हैं उनका जो सेंसरी थ्रेशोल्ड होता है, अमूमन हमारे को इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसेस के थ्रू एनवायरनमेंट से मिल रही है, और हम सबका एक लिमिट है जिस जितना कि हम सह सकते हैं उसको। हाईली सेंसिटिव पर्सन का जो दिमाग होता है वो जल्दी रिएक्ट करता है इन सेंसरी इस इंफॉर्मेशन के प्रति, दे उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है,
ओवरवेलम, वो जल्दी होते हैं इन्फॉर्मेशन से, वो अमूमन ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन को डीप प्रोसेस करना ज़्यादा बेटर लगता है। अगर चाहे यू नो, चाहे वो लाइट हो, साउंड हो, या फिर भीड़ हो, या फिर कोई नया काम हो, एकदम से ओवरवेलम होना दिमाग का एक फीचर बन जाता है। और उनको ऑप्टिमल अराउजल बनाने के लिए, यानी कि एक ऐसी स्टेट माइंड की जहाँ पर कि आप अच्छे से फंक्शन कर सके, वो बनाने के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना और उसके हिसाब से अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कंपेयर टू अगर हम रेस्ट ऑफ द 80% की बात करें। हाईली सेंसिटिव पर्सन होना और उसे दूसरे लोग ना समझ पाएँ और आप भी ना समझ पाएँ इस एहसास को, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको एंडोर्स करना, इसको समझना, इसके साथ जीना। हमें 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो पहला ये कि इस कैटेगरी को सिर्फ एक वैल्यू जजमेंट ना समझें, ये एक रियल कैटेगरी है। हम में से वाकई में 20% लोगों का दिमाग इस तरीके से हार्डवायर्ड है कि हम जल्दी रिएक्ट करेंगे। सो इस चीज़ को समझना ज़रूरी कि एक रियल एंटिटी से हम डील कर रहे हैं। दूसरा चीज़ के हमें ये जानना होगा कि हमने अपने पास्ट को रिफ्रेम करना है, यानी कि हमने अब तक जो डिसीजन लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ के, हम जिस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जिस तरह का हम अपना दिनचर्या रखने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से हम अपनी सोशलाइजेशन मेंटेन करते हैं, उसे अगर हम रीफ्रेम करें तो पता चलेगा कि हाईली सेंसिटिव होने की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें अब उस हिसाब से ढाली हैं। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने जो पास्ट ट्रॉमास हैं उनको हील होना बहुत ज़रूरी है। हाईली सेंसिटिव पर्सन्स के कुछ ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, एडल्ट में भी ऐसे ट्रॉमास हो सकते हैं जो कि प्रोसेस नहीं हो पा रहे अच्छे से, और यहीं पर एक साइकोथेरेपिस्ट या फिर एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ सकती है, जिस जो कि बहुत हेल्पफुल माना जाता है। हालांकि मैं फिर से ये बात कहता हूँ कि हाईली सेंसिटिव पर्सन होना कोई मेंटल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, ये एक मात्र एक ट्रेट है जिसे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं इस बात पर बहुत डिपेंड करता है। नेक्स्ट ये कि अपने जैसे दूसरे लोगों से मिलें और उन्हें समझें, ये बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज ये फीलिंग होना कि हम शायद यूनिक हैं और कोई हेल्प नहीं है, ये एक बड़ा ख़तरनाक सी फीलिंग है। इसको ओवरकम करना ज़रूरी है दूसरे लोगों से, जो दूसरे हाईली सेंसिटिव लोग हैं उनसे हमारी एक तरह से फ्रेंडशिप या जान पहचान या फिर एक सपोर्ट ग्रुप बनाना ज़रूरी है। अगर हम एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं और अपना ध्यान अगर हम रख सकते हैं, तो ये ट्रेट आमूमन जो है काफ़ी एडवांटेजियस हो सकता है। ये माना जाता है कि इन्हीं 20% लोगों की वजह से जो दुनिया के इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं वो बने हुए हैं, बिकॉज वे आर सेंसिटिव। लाइक अगर एक आप सेंसिटिव हैं टूवर्ड्स से, फॉर एग्जांपल कि अगर आप कूड़ा देख रहे हैं रोड पे लोग फेंक रहे हैं, तो आप उन लोगों में से होंगे जो इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो ये माना जाता है कि यही 20% लोग हैं जिनकी वजह से शायद जो हमारे इश्यूज हैं जो वर्ल्ड लेवल पे, चाहे वो क्लाइमेट कंट्रोल से लेके और से जेंडर बायस हो, ये इश्यूज़ के ऊपर काम हो रहा है। तो वी आर अमंग पीपल हु आर सेंसिटिव आर रियली इम्पॉर्टेंट इन एनी ग्रुप, सो वी नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेल्स। और हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि कैसे इस हाईली सेंसिटिव पर्सन होने का एहसास को कैसे मैनेज किया जाए। आपने राकिब जी की बातें सुनी, उम्मीद है जो भी लोग ऐसा महसूस करते हैं उन्हें अपने कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, या अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं। हाईली सेंसिटिव पर्सन जो टर्म है, इसकी खोज की थी डॉक्टर एलेन एरन ने। हाईली सेंसिटिव पर्सन होने का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं बाकियों से, या आपको कोई डिसऑर्डर है, कोई दिमागी बीमारी है, या आपकी पर्सनैलिटी का एक टाइप है, इसको बदला नहीं जा सकता, ये आपके कंट्रोल के बाहर है। हाँ, मैनेज ज़रूर किया जा सकता है, आप चाहें तो प्रोफेशनल मदद भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। कोविड के इस दौर में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होना बेहद ज़रूरी है, जिसमें आपकी डाइट एक अहम रोल प्ले करती है। अब अगर आपको कोविड है तो आपको खास तौर पर अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। कोविड के समय में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या डाइट लें, यह हमें बताया शिखा शर्मा ने।
कोविड पॉजिटिव होने के बाद विटामिन सी से युक्त फलों को ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, जैसे कि कीवी, तरबूज, पपीता, अनार और संतरा खा सकते हैं। अगर संतरा नहीं मिल रहा है तो मौसम्बी या फिर कीनू भी खा सकते हैं या अनानास खा सकते हैं। बाहर से कटा हुआ अनानास जो है उसे लाने से आप बैक्टीरिया या फिर जर्म्स को न्योता देते हैं। बेहतर है कि आप अनानास घर पर लाएं और फिर उसे काटें। रोज एक कच्चा आंवला जरूर खाएं। कच्चे आंवले में विटामिन सी भरपूर होता है। कोविड से ठीक होने में काढ़ा काफी मदद करता है, पर जो लोग ज्यादा काढ़ा लेते हैं उनसे गलती हो जाती है। इससे उनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है और मुंह में छाले हो सकते हैं। सही काढ़ा कैसे बनाएं? एक गिलास पानी लीजिए, उसमें एक चम्मच जीरा डालिए, एक चम्मच अजवाइन डालिए, तीन लौंग, दो छोटी हरी इलायची, एक बड़ी काली इलायची, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच घिसा हुआ अदरक और दो कलियां लहसुन की, ये ले लीजिए। इसको अच्छे तरीके से पीस कर आधा ग्लास बना लेना है। दिन में केवल दो बार ही आपको काढ़ा लेना चाहिए। कोविड के दौरान आपको और भी दवाइयां लेनी होती हैं, ऐसे में काढ़े को केवल दो बार ही लें। इसके अलावा अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर शामिल करें। प्रोटीन के लिए बाजरे की रोटी, पनीर, सोया या फिर अंडा खाएं। रेड मीट बिल्कुल ना लें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुबह नींबू का पानी लेना चाहिए। यहाँ एक गलती हो जाती है, लोग आजकल गर्म पानी में नींबू डालकर ले रहे हैं, इससे एसिडिटी हो जाती है। कोविड के दौरान शरीर में काफी एसिड बनता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर पानी लीजिए, इसमें नींबू डालिए और फिर पीजिए, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकासती हेल्थ टिप। क्या दालचीनी खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकता है? जानिए हमारे सेगमेंट में। डायबिटिक लोगों को अक्सर डाइट में दालचीनी शामिल करने को कहा जाता है। क्या वाकई दालचीनी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर अनुजा से। वो बताते हैं कि कई स्टडीज के बावजूद ये अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है कि दालचीनी डायबिटिक लोगों में ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है या नहीं। कुछ स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि दालचीनी ने इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर शुगर लेवल पर लाभकारी प्रभाव दिखाया है, लेकिन ये निर्धारित करने के लिए और अधिक स्टडीज की जरूरत है कि क्या दालचीनी असल में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है या नहीं। डॉक्टर अनुजा कहती है कि हालांकि ये समझना जरूरी है कि अकेले कोई भी पोषक तत्व आपके डायबिटीज का इलाज नहीं ही कर सकता। डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, ब्लड शुगर पर रेगुलर निगरानी और अगर जरूरी हो तो डायबिटीज की दवा या फिर इंसुलिन लेना शामिल है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।